तो देख लीजिए झरना, काफी अच्छा झरना है यहाँ पे। और ये हमारे दोस्त भी यहाँ पे, और देख लीजिए। और सुम तुम भी आ जाओ। तो दिल्ली भाई, और काफी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और काफी मस्ती कर रहे हैं, देख लीजिए। तो दिल्ली भाई, हम लोग दर्शन कर, तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं और अब चल रहे हैं सिद्ध बाबा के पास, नेपाल में लौटते हैं। और देख लीजिए, और आप पीछे आपको मैं सारा यहाँ पे पहाड़ी वादियाँ सारा कुछ दिखाऊंगा, तो जहाँ से वो पुरीहाट तक पैदल जा रहा हूँ। और देख लीजिए इधर, अभी झरना था वीडियो में नहीं दिखाया आपको, देख लीजिए। और ये राज भाई, तो देख लीजिए भाई, ऐसे कुछ नज़ारा रहा है इधर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख लीजिए काफ़ी नज़ारा है वीडियो। और भाई काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो देख लीजिए। और जितना भी कुछ होगा मैं सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, ज़्यादा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा मतलब वादी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, दिखाएंगे आपको। तो इधर पानी बह रहा है इधर, तो ऐसे ही झरने से पानी बहता था, हल्का हल्का बह रहा, पीछे काफ़ी बह रहा था पानी। तो देख लीजिए धर्मशाला इधर बनी हुई है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलिए आप और कुछ दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है इधर, देख सकते हो काफ़ी ऊँचे पेड़ हैं। और इधर साइड से है खाई, तो दिख नहीं रही होगी बट इधर खाई है, आपको नहीं दिख रही, उधर है पहाड़ सीन है। और काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी वादी है यहाँ पे, देख सकते हो काफ़ी ऊँची ऊँची है। और बादल आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि कैमरा उतना क्लियरिटी नहीं आ रही है, बट आँखों से दिख रहे हैं बादल इसके उड़ रहे हैं साइड से। और अभी आपको बैक से बैक कैमरे से दिखाते हैं, ठीक है। और काफ़ी यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ की लोकेशन, तो आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बादल से देख सकते हो, देख सकते हो बादल, ये बादल उड़ रहे हैं, देख सकते हो आप बादल से उड़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, देखिए बादल है यहाँ पे। और शायद आँखों से बढ़िया दिख रही है क्लियरिटी, साथ कैमरा उतनी बढ़िया नहीं आ रही है, लेकिन आँखों से जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। और काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे, काफ़ी लोग आ रहे हैं और आगे चल रहे हैं, पीछे भी काफ़ी लोग हैं, और गाड़ी देख लीजिए। तो इसी है मतलब गाड़ी से आप जा सकते हो, मैं शाम को ही आया था, खैर हम तो पैदल ही आए थे शाम को भी, और अब भी पैदल ही जा रहे हैं। और दिल्ली इधर ही पानी इधर बह रहा है हल्का हल्का, बहता है इधर, ये काफ़ी गहरी खाई है, अभी यहाँ तो नीचे चला जाए हमें। और दिल्ली यहाँ पर का अच्छा सीन है, भाई बहुत डर है यहाँ पर, क्योंकि फिक्स ही जगह है, और दिल्ली काफ़ी ऊँचा पहाड़ है, पहाड़ दिल्ली इधर भी पहाड़ है, और गेट थे हम लोग करो वही साइड में, ओ भाई यहाँ बैठने के लिए कुछ सिस्टम है, और देख लीजिए यार काफ़ी अच्छे, यहाँ काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ की, थोड़ा थकी हुई थी, आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही है यार, कैमरा उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, और ही क्लियरिटी आ रही है वहाँ, कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है बादल, लेकिन कैमरे में बढ़िया से दिख ही नहीं रहा है कुछ, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली भाई काफ़ी बादल यहाँ पर आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छे लोकेशन है यहाँ की,
काफी पहाड़ ऊंचा है और यहाँ से पानी हल्का सा आ रहा है और बादल से इसमें छाए हुए हैं, यार लेकिन फिर तो कैमरे सही उतने है बढ़िया यार। नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे हमें जो रील में दिख रहा है उतनी बढ़िया वही नहीं दिख रहा है इसमें से, कैसा है और काफ़ी अच्छा है। ऊपर तो देख आसमान लीजिए दिख रहा और है काफ़ी वीडियो कुछ है, पे। और देख लीजिए ये भी हैं दोनों लोग, राज भाई और इनका नाम ही भूल गया मैं, गोविंद गोविंदा ऐसा ना, ये मौसी लड़का इसलिए नाम नहीं ध्यान रहा मुझे। तो देख लीजिए ये लोग हैं और देख लीजिए, तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। आप भी आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ खैर ये उत्तराखंड में पड़ता है, पुणे भी उत्तराखंड में, ठीक है। तो इस गाड़ी में उत्तराखंड पड़ता है, और अभी हम लोग नेपाल में भी जाएंगे तो वहाँ पर हो रहा है, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है, और देख सकते रहिए गड्ढे खाई है नीचे, लेकिन यार पेड़ों वगैरह दिख ही नहीं रही है कुछ भी, और लेकिन ऊपर का दिख रहा है सारा कुछ। देख लीजिए देख लीजिए, और गाड़ी बहुत सारी निकल रही है इस गाड़ी से, और काफ़ी अच्छा सीन है, और यहाँ पर भाई काफ़ी सारे जानवर होंगे, लेकिन जानवर यहाँ कोई नहीं है, लेकिन बट यहाँ पर रहते हैं बताते हैं ये लोग, और पेड़ बहुत लंबे लंबे हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी पानी बहता है, यहाँ से पानी हल्का हल्का बह रहा है यहाँ से, यहाँ से निकल रहा है देख लीजिए, देख लीजिए और काफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग काफी। ऐसा ना मोबाइल करके और अरे यार कैसे ऐसा ऐसा ही चलता रहो, ले रुक ले चल रहा है। तो देख लीजिए भाई काम लोग साथ, और काफ़ी लोग हम लोग आए हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग पीछे रह गए क्योंकि वो काफ़ी लोग लेडीज वगैरह काफ़ी लोग आए हैं, तो वो थके हैं तो आराम से बैठ बैठ चलाए, बट हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं। बोले पुनागढ़ वाली मैया की जय। और दिल्ली काफ़ी अच्छा मौसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, और आप लोगों को कैसा लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताना जरूर, कमेंट कर बताना, आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है कमेंट कर बताना। हाँ यार मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बताइए जरूर जरूर कैसे रही वीडियो, और लाइक कर दीजिए, अनलाइक मत करना ठीक है। और देख लीजिए और काफ़ी यहाँ का सीन अच्छा है, और देख लीजिए पहले मैं बता दूँ आपको, पहले यहाँ तब इतनी रोड सही नहीं थी, लेकिन आप रोड बहुत बढ़िया बनेगी देख सकते हो, पहले ऐसे ही पत्थर सा डला रहता था, और आप भी आ सकते हो, उत्तराखंड पड़ती है पूर्णागिरी, उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पड़ती है, और नेपाल यहाँ पे भी जाना पड़ता है, अभी नेपाल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वीडियो शूट करके दिखाएंगे ठीक है। बन रही हमारे इस ब्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह भी आपको दिखाऊंगा ठीक है। और अभी और थोड़ा दिखाता हूँ, और अभी थोड़ी गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी बदल कर रही है भाई, अब देखो फिर से गाड़ी आ रही है, गाड़ी देखो भाई यहाँ पर बैठने की व्यवस्था हो चुकी है, ये पहले आने थी, अब जो सीटें रख दी गई यहाँ पर देख सकते हो, पहले मैं आया था तब कुछ भी नहीं था, रोड भी इतना बढ़िया नहीं था, और यहाँ से भाई पानी निकल रहा है, ये आपको दिखाएंगे आगे से पानी निकल रहा है काफ़ी तेज ना, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे तो देख सकते हो वहाँ से पानी निकल रहा है और इधर जा रहा है, इधर साढ़े पीछे यार दिख नहीं रहा, अभी दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं ले ली इधर, इधर से पानी आ रहा है, आपको पास से दिखा रहे हैं ठीक है, और काफ़ी बने रही है हमारे इस ब्लॉग में भाई, अभी यहाँ से थोड़ा सा फोटो वगैरह बनाएंगे हम लोग, और आप लोग भी झरना दिखाएंगे यहाँ पर कैसा क्या है, और झरना पर पीछे भी थे खड़े भैया, तो देख लीजिए झरना, अरे बड़े ये तुम जा खड़े हो देखो, तो देख लीजिए भाई झरना काफ़ी अच्छा झरना है यहाँ पे, और ये हमारे दोस्त भी यहाँ पे, और देख लीजिए, और सुम तुम भी आ जाओ, तो दिल्ली में और काफ़ी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं देख लीजिए, और यहाँ पर भी आपको और पास दिखाते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ देख लीजिए, तो यार देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, और यहाँ से कुछ लोग नेम लिख रहे थे भी चले गए, तो दिल्ली यहाँ पे भाई काफ़ी यार कैमरे में बढ़िया आ रही थी, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी लोकेशन है देख सकते हो आप, यहाँ पर काफ़ी गहरा है और एक अच्छी खासी लोकेशन है यहाँ पे, लेकिन यार फोन पता नहीं इतनी बढ़िया लोकेशन नहीं आ रही है, और रील भी देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी लोकेशन आ रही है, क्योंकि जो कैमरे से बढ़िया नहीं, और खाए हैं कुछ अंधेरा सा हो रहा है इस तरफ, काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ की देख लीजिए, और काफ़ी लोग दर्शन करके आ रहे हैं पीछे देख सकते हो, अभी तो अपने दोस्त ही है, तो देख लीजिए भाई देख लीजिए काफ़ी अच्छी सीनरी है यार देख लीजिए, और आप भी आना चाहते तो आइए पक्का, यहाँ पे अच्छा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, और काफ़ी पहाड़ी एरिया है देख लीजिए।